हेलो गाइस, कैसे हो? जैसे बढ़िया होंगे तुम। आज को ने वीडियो लेकर भाई, इसमें मैं रैंडम स्कोर्स के साथ खेल रहा हूँ थोड़ा मैच। मतलब रैंडम ऐसा है कि ये मुझे जानता है तो मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही रैंडम है, लेकिन वहाँ मतलब पहले हम गेम्स नहीं खेले तो पहली बार ही खेल रहा हूँ मैं इन लोगों के साथ। तो अब देखते हैं मैच कैसे जाएगा। मैं अपने आपको ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है गेमिंग जोन, और ये काफ़ी सही ऐप है यार, पबजी मोबाइल टूर्नामेंट्स ऐप है। तो यहाँ पे यार तुम नॉर्मल गेम खेलते हो पबजी का, अपना टाइम लगाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन मिलता क्या है? सिर्फ चिकन डिनर, असली में कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या होगा यार, तुम चिकन डिनर करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, पर किल करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपने एक बंदा मारा तो पैसे, दो मारे तो और ज़्यादा पैसे। तो भाई यार, अगर तुम इंटरेस्टेड हो जरूर से इस ऐप को डाउनलोड करो। नीचे लिंक है और मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको क्या क्या इसमें मिलता है। और ये पेटीएम से पावर्ड है, मतलब पेटीएम से आप मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो। पेटीएम में जो पैसे आप जीतोगे तो उससे आप यार शॉपिंग करो, कुछ भी करो, यूसी खरीदो, स्किन खरीदो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मज़े लो पूरे। तो यार वैसे तुम चिकन डिनर करते हो, इससे अच्छा तो इसमें खेल के कर लो। तो यहाँ पे यार बहुत सिंपल है इस ऐप को रजिस्टर करना। आपको सिर्फ रजिस्टर पर दबाना, जब आप ऐप खोलोगे तो ऐसा आएगा रजिस्टर दबाना है, फिर मोबाइल नंबर डालना जैसे व्हाट्सएप पर करते हैं ऐसे ही है सिंपल। तो फिर ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको डाल देना जैसे कि वेरीफाई कर ले। फिर आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालना है, फिर दोबारा पासवर्ड डालना है कन्फर्म करने के लिए, और जेंडर सेलेक्ट करना है सबसे ऊपर, ठीक है। फिर आपको सबमिट कर देना, और यहाँ पे यार तुम फिर एंटर हो जाओगे। और यहाँ पे तुम रेफर अर्न कर सकते हो, मतलब तुम अपने दोस्त को बताओ इस ऐप के बारे में और वो जब खेलेगा तो आपको उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मतलब तो उसका नहीं मिलेगा, उसे तो अपना मिलेगा, आपको भी एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहाँ पे तुम पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो काफ़ी सही ऐप है यार ये, इसको ज़रूर से ट्राई करो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चलते हैं भाई अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे भैया हम बूट कैंप पे लैंडिंग करी हमने, और सामने घर में बंदे हैं, जैसे कि होते ही है यार, यहाँ पे तो होने ही है बंदे यार, यहाँ पे नहीं होंगे तो कहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बस फॉल्स फायर करता हूँ, लेकिन उसका कंधा से दिख रहा होता है थोड़ा सा, और भाई पता नहीं कैसे लग जाती है ये मैसेज जिंदाबाद, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। और फिर मैं सोचता हूँ कि यार जल्दी से पुश कर देते हैं, क्योंकि मान लो हम पुश ना करें वो यार फिर रिवाइव होकर हम ही पेल दें। तो भैया मैं जाता हूँ और थोड़ी तरकीब दिखाओ पबजी पीसी वाला। तो यहाँ पे भैया मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, और वो वहाँ पे हील कर रहा था मैंने उसे पेला, और फिर दो सीढ़ियों पे हील कर रहे हैं तो उन्हें भी मैंने पेल दिया। तो यहाँ पे भैया सब कुछ मर चुका है, यहाँ पे ऑल स्कोर डाउन हो चुका है, लेकिन इतने ही कहीं और से एक बंदा मेरे पे पीछे से गोली चलाता है, मतलब मेरी स्कोर पे चलाता है पूरी की पूरी पे। तो यहाँ पे फिर मुझे पता चल चुका था कि वो कहाँ पे है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था कि किधर साइड बैठा है। तो अब पता चल चुका है वो उस डब्बे पे है, और मैं यहाँ पे यार फॉल्स फायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मान लो मैं यार खुले में भाग रहा हूँ इस टाइम, वो अगर झाँक के मुझे पेल दे दिक्कत हो जाती, फिर पूरा ही फिनिश करता, कोई कवर भी नहीं था। तो मैं इसलिए थोड़ा फॉल्स फायर करता करता आया हूँ इधर। और अब भाई मैं तो करूँगा, देखो पुश हो गए, क्लोज एनकाउंटर थोड़ा सा आसान पड़ता है, अभी हमारे पास स्नाइपर वगैरह है नहीं और वो भी झाँकेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि चलो भाई, क्योंकि एक को नोक कर चुका हूँ मैं, तो हम यहाँ पे पुश कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि भाई फिर वही है यार, तुम जितना मौका दोगे दूसरे को रिवाइव होकर मारने का उतनी दिक्कत है, जितने कम लोग उतना फ़ायदा। तो यहाँ पे एक बंदा पीक करता है, मैं उसे पेलता हूँ, फिर दूसरा बंदा भी पीक करता है, हम उसे पेलते हैं, तो पूरी स्क्वाड हो जाती है ख़त्म। और मुझे तो यार देखो शुरुआत में किल मिलते हैं, बाद में क्या होता है कि मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ और इस वजह से मेरी स्कोर सारे किल लेती है, और मैं तो बस पता नहीं क्या कर रहा था। लेकिन लास्ट वाले किल को हम पेलते हैं, चलो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम देखो तुम्हें मज़ा आएगा अभी क्या होगा। तो भाई यहाँ पे हम ट्रक में आ रहे हैं ऐसे मज़े में, और यहाँ पे स्नेक्स थे जो कि सैनोक की पहचान है। अब सैनोक में स्नेक्स नहीं होंगे तो कहाँ पे होंगे, मतलब डेजर्ट में होंगे, राजस्थान में नहीं भाई, ये जंगल वाले सांप है और बहुत जंगली सांप है, मतलब ख़तरनाक सांप है भाई, इनका जहर वहर इतना खतरनाक है बस सोचो मत। और भैया ने गिली सूट और पहन रखा जिससे बिल्कुल ही ना चमके, भाई क्या दिमाग लगाया कसम से। तो यहाँ पे मेरा बंदा एक रिवाइव हो रहा है जो कि मैं कर रहा हूँ, मतलब नोक हो गया था। तो लेकिन इतने में एक और कार आ जाती है, और भाई इस कार में देखना क्या होगा, ठीक है। ये बंदे ऐसे बैठे हैं जैसे प्रसाद मिल रहा हो, मतलब इनमें तीन बंदे तो गोली चला रहे थे, लेकिन जो लास्ट वाला बंदा है ये ऐसा था कि ना किसी को मार रहा है और दूसरी तरफ देख रहा है, मज़े में देख रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, कहाँ कौन सी दुनिया में आ गया यार, आँख वाँख से कर लो अपनी से यार, सपना तो नहीं देख रहा भाई, पता नहीं क्या कर रहा था वो बंदा। चलो कोई बात नहीं यार, मुक्ति दे दी हमें उसे, अब लॉबी में जाके दूसरा गेम लगाओ। तो अब यहाँ पे भैया मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे कोई किल मिले, कोई किल मिले, लेकिन भैया सब तीनों के तीनों एक जगह ही गोली मारते थे, तो मेरे को तो मौका ही नहीं मिल रहा था।
तो यहाँ पे घर में एक स्क्वाड है और यहाँ पे देखना भैया, यहाँ पे मेरे को खेलने मिला है घंटा। मैं इस पर थोड़ी सी फायर करता हूँ लेकिन यार आगे जाने की वजह से बच जाता है मेरे हाथों, नहीं तो मेरे हत्ते चढ़ता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। और भैया हमने यहाँ पे तबाही मचा दी पूरे घर को और कर दिया बस ख़त्म ही। नहीं अब जाओ लोबी में भैया, दूसरा गेम लगाओ, सैनो वैनो खेलने दो, इरेंगल खेलो तुम। तो अब जो बंदे हैं वो बच चुके हैं थोड़े से, मतलब ज़्यादा थोड़े भी नहीं लेकिन हाँ थोड़े से। तो ये बंदा सांप बना हुआ था, मतलब इसके वहाँ पे तो घास होंगी से नहीं पता था, लेकिन दूर से क्या होता है कि घास रेंडर नहीं होती। और भैया जी हमें सांप दिख रहे थे कि नागिन नागिन पर डांस कर रहे हैं, सपेरे बने हुए बिल्कुल। तो मैंने उसे पेल दिया जल्दी से। तो यहाँ पे एक और बंदा झाँकने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उसे मारता यार, उससे पहले मेरे बंदे ने मार दिया इसे। तो यहाँ पे भाई मेरे को सच में किल्स की दिक्कत हुई है शुरू में, तो मतलब मेरे को किल्स मिल रहे थे लेकिन फिर बीच में मतलब घंटा नहीं मिला मुझे कुछ भी। तो अब यहाँ लास्ट बंदा बच चुका है और ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं ले लूँ कम से कम यार 10 किल तो कर ही लें अपने। तो यहाँ पर मैं इसे मार देता हूँ जल्दी से और हमारा चिकन डिनर हो चुका है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो फ्रेम आ चुका है S6 का, तो वहाँ भैया कौन कलर हो चुका है हम सब कुछ। और मैं चाहूँ तो 100 में आ जाऊँ जब जी, मतलब जब मेरा मन करेगा। बस क्या करना है मुझे 5 मैच खेलने हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है यार। मैं अब थोड़ा फोकस कर रहा हूँ स्क्वाड्स पे, थोड़ी स्किल्स अपनी इंप्रूव करते हैं और मतलब ठीक ठाक है वैसे, लेकिन थोड़ी और इंप्रूव करते हैं यार क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। तो बस यही था यार गाइस इस वीडियो में। और भाई नीचे जो लिंक है ऐप की उसे ज़रूर से डाउनलोड करो, अगर तुम टूर्नामेंट्स का मतलब तुम्हें शौक है खेलने का गेम, तो उसमें तुम खेलोगे तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।